नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं फिटर थर्ड सेमेस्टर मॉड्यूल फर्स्ट असेंबली फर्स्ट। इसका जो है लेवल वन के क्वेश्चन देखेंगे आज हम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिमिट गेज। इस लिमिट गेज का क्या नाम है दोस्तों? ये है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो इसका सी ऑप्शन सही है पहले का। और इससे हम इनसाइड डायमीटर चेक करते हैं, यानी कि भीतरी डायमीटर चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का नाम क्या है दोस्तों? ये है रिंग गेज। और इससे हम बाहरी व्यास चेक करते हैं, यानी कि आउटसाइड डायमीटर चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। इसमें कह रहा है कि स्लिप गेज को क्लीन करने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग करते हैं दोस्तों? वो होता है CTC, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दोस्तों धूल इत्यादि से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम जेली लगाते हैं स्लिप गेज पे, और फिर इन सबकी सफाई के लिए हम CTC का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का नाम क्या है दोस्तों? ये हमारा है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो इसका डी ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। इसमें कह रहा है कौन सा आप मटेरियल लैपिंग प्लेट को क्लीनिंग करने के काम आता है चार्जिंग के बाद दोस्तों? वो होता है कैरोसिन। तो पाँचवें का बी ऑप्शन सही है, कैरोसिन। छठा क्वेश्चन देखिए, विच एब्रेसिव इज यूज टू लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। इसमें कह रहा है कौन सा आप घर्षक मुलायम स्टील और अलौ धातुओं की लैपिंग करने के काम आता है दोस्तों? वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो छः का डी ऑप्शन सही है। आपको बता दें यहाँ पर हम कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो रूप में यूज़ करते हैं। एक तो होता है अनफ्यूज्ड एलुमिना और दूसरा होता है फ्यूज्ड एलुमिना। दोस्तों अनफ्यूज्ड एलुमिना से क्या करते हैं हम? हाई क्वालिटी की फिनिश प्राप्त करते हैं। अगर आप अनफ्यूज्ड एलुमिना यूज़ करते हैं तो हाई क्वालिटी की फिनिश यूज प्राप्त होती है, और अगर हम फ्यूज्ड एलुमिना यूज़ करते हैं तो उससे हम मुलायम धातुओं, मुलायम स्टील और अलौ धातुओं की लैपिंग करते हैं। एक बार फिर से बता दें आपको, हम अनफ्यूज्ड एलुमिना से हम हाई क्वालिटी की फिनिश प्राप्त करते हैं, जबकि फ्यूज्ड एलुमिना से हम सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल की लैपिंग करते हैं। तो छठे का यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। इसमें कह रहा है सरफेस की हार्डनिंग के लिए इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया गया है दोस्तों? ये हमारी है पैक कार्बोराइजिंग। तो सातवें का बी ऑप्शन सही है, पैक कार्बोराइजिंग। आठवां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। इसमें कह रहा है सतह को हार्ड करने के लिए इसमें कौन सा तरीका अपनाया गया है दोस्तों? ये हमारा है फ्लेम हार्डनिंग। तो आठवें का सी ऑप्शन सही है, फ्लेम हार्डनिंग। दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग हम कहाँ करते हैं? ऐसी स्टील जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.37% से 0.7% तक हो, ऐसी स्टील की हम फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। जो की दिखाई गई है कुंजी, इस की का नाम क्या है दोस्तों? ये हमारी है फैदर की। और दोस्तों आपको बता दें कि फैदर की को हम पैरेलल की भी कहते हैं, और इस फैदर की का यूज जो है हम यूनिडायरेक्शनल टार्क के लिए भी अधिक करते हैं, क्योंकि एक दिशी टार्क के लिए हम इसका यूज अधिक करते हैं। यहाँ पे आप फैदर की देख सकते हैं। जो फैदर की जो होती है उसकी अगर विड्थ यानी कि चौड़ाई की बात किया, तो चौड़ाई जो होती है डाया का 1/4 और प्लस 2 mm, यानी कि चौड़ाई नापेंगे तो हमारे शाफ्ट है उसका डाया 1/4 प्लस 2 mm, और इसकी अगर थिकनेस मापेंगे तो 2/3 और गुणे विड्थ, ये इसका फार्मूला है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ की वे टेपर। इसमें कह रहा है की वे जो टेपर होता है उसका रेशियो क्या होता है दोस्तों? वो होता है 1:100। तो 10 का डी ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। जो आप की दिखाई गई है इसका नाम क्या है दोस्तों? ये हमारी जो है टेपर संक की है, और इसका रेशियो जो होता है 1:100 होता है। तो 11वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेपर संक की। 12वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। जो गेज दिखाया गया इसका नाम क्या है दोस्तों? ये हमारा है रेडियस गेज। तो 12वें का डी ऑप्शन सही है, रेडियस गेज। 13वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग
एक्सटर्नल डायमीटर, इसमें कह रहा है इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है जो बाहरी व्यास को माप रहा है, इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है पेयर ऑफ स्पेशल जॉज बाई यूजिंग स्लिप गेज, यानी कि स्लिप गेज का प्रयोग करके एक स्पेशल जॉ बनाना। तो 13वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सेट ऑफ फिलर गेज, इसमें कह रहा है कि फिलर गेज में कितने सेट होते हैं? दोस्तों वो होते हैं हमारे 4 सेट होते हैं। तो 14वें का भी ऑप्शन सही है, 4 सेट। और आपको बता दें कि फिलर गेज जो होते हैं वो हार्ड और टेम्पर होते हैं, जो कि एक स्टील के ब्लेड जैसे होते हैं, और इसकी मिनिमम थिकनेस जो होती है 0.03 मिलीमीटर और मैक्सिमम 1 मिलीमीटर। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक ब्लेड आपका 100 मिलीमीटर लंबा होता है, और प्रत्येक में जो अंतर होता है प्रत्येक ब्लेड में की मोटाई में, तो दोस्त वो होता है 0.01 मिलीमीटर। 15वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज, इसमें कह रहा है फिलेट गेज और रेडियस गेज को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता है? दोस्तों वो होता है टूल स्टील। टूल स्टील से ये चीज़ें हम बनाते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन लैपिंग टूल, इसमें कह रहा है लैपिंग टूल दिखाया गया है, इसमें जो एक्स से डिनोट किया गया है पार्ट, उसका नाम आपसे पूछा है, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों वो से हम बोलते हैं स्लिट। तो 16वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्लिट। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें जो ग्रूव बने हुए हैं और स्लिट बनी हुई हैं। तो दोस्तों जो ग्रूव होते हैं ये लैपिंग कंपाउंड को धारण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रूव लैपिंग कंपाउंड को धारण करते हैं। और जो स्लिट होती हैं वो एक्सपेंशन प्रोवाइड कराती हैं। क्या? स्लिट जो होती हैं वो एक्सपेंशन प्रोवाइड कराती हैं, और जो आपके जो ग्रूव होते हैं वो लैपिंग कंपाउंड को धारण करते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन, इसमें कह जो ऑपरेशन हो रहा है उसका नाम क्या है? दोस्तों वो है सिलेंड्रिकल लैप की चार्जिंग हो रही है यहाँ पे, चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। तो 17वें का डी ऑप्शन सही है, जो हम सिलेंड्रिकल लैप है उसको चार्ज कर रहे हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव आर यूज्ड इन होनिंग द कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल, इसमें कह रहा है कि होनिंग में कास्ट आयरन की और नॉन फेरस मटेरियल की होनिंग में कौन से टाइप का एब्रेसिव जो आप घर्षक प्रयोग करते हैं? दोस्तों वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो 18वें का सी ऑप्शन सही है कि कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल यानी कि अलौ धातुओं की होनिंग के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव यूज़ करते हैं। दोस्तों आप बता दें कि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड जो एब्रेसिव है उससे हम स्टील की होनिंग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड से कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल की होनिंग करते हैं, जबकि डायमंड से टंगस्टन या सिरेमिक जैसे पदार्थों की होनिंग की जाती है। 19वां क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस इफ़ द स्टील इज हीटेड अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूलिंग इज इट वेरी स्लोली इन फर्नेस, इसमें कह रहा है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर उसकी फर्नेस यानी कि भट्टी में ही धीरे धीरे कूलिंग कराई जाती है, यानी कि धीरे धीरे ठंडा किया जाता है उसको। दोस्तों उसे बोलते हैं हम एनीलिंग। तो 19वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एनीलिंग। 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोसेस इन स्टील टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस टू एलिमिनेट हार्डनेस एंड इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, इसमें कह रहा है उस प्रोसेस का नाम बताइए इसमें स्टील में जो हमारी स्ट्रेन और स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल और विकृतियां जो उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, हार्डनेस को कम करना है और मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। कौन कौन दोस्तों प्रोसेस करने हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलीव करना है, हार्डनेस को एलिमिनेट करना है और मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? तो दोस्तों वो होता है नॉर्मलाइजिंग। 20वें का डी ऑप्शन सही है, नॉर्मलाइजिंग। 21वां क्वेश्चन देखिए, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ, इसमें कह रहा है सरफेस सतह की हार्डनिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं जिसमें उसको जॉब को लवण से भरी हुई मतलब एक बात साल्ट बात होती है उसमें उसको
हीट करते हैं। तो दोस्तों वो होती है लिक्विड कार्बराइजिंग। लिक्विड कार्बराइजिंग में हम हीट सरफेस हार्डनिंग करते हैं, ये हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है। तो 21 का डी ऑप्शन सही है, लिक्विड कार्बराइजिंग। 22वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, इसमें करा एक्स से डिनोट किया गया है पार्ट, उसका नाम क्या है। तो उसमें आप देख सकते हैं परिधिपेज जो है कीवे से कटे हुए हैं, तो उसमें इसको हम बोलते हैं सेरेटेड शाफ्ट। इसे क्या बोलेंगे हम, सेरेटेड शाफ्ट। तो 22वें का सी ऑप्शन सही है, सेरेटेड शाफ्ट। 23वां क्वेश्चन देखिए, विच की हैज़ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इंटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। इसमें कह रहा है उस की का नाम बताओ जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है आयताकार, और जो उसके कीवे कटे होते हैं वो शाफ्ट और हब दोनों में कटे होते हैं। दोस्तों उसे बोलते हैं हम शंख की। तो 23 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, शंख की। चित्र आप देख रहे हैं कि जो हमारी शंख की है उसमें शाफ्ट में भी देखो कीवे कटा हुआ है और जो हब है उसमें भी कीवे कटा हुआ है। 24वां क्वेश्चन देखिए, विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट, इसमें कह रहा है टेपर शाफ्ट के लिए कौन सी की जो है सही होती है। दोस्तों वो होती है हमारी वुडरफ की, और वुडरफ की जो होती है हमारी अर्धचंद्राकार होती है, मतलब हाफ राउंडेड होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में जो ये वुडरफ की हुई है, ये इसको फिट किया गया है और कैसा आकार होता है वुडरफ की का। 25वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि वेयर द सर्कुलर टेपर की इज यूज्ड, इसमें कह रहा है सर्कुलर टेपर की जो है कहाँ प्रयोग करते हैं। दोस्तों वो करते हैं हम लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में, यानी कि अगर आप जहाँ पे हल्के बल का ट्रांसमिशन करना है वहाँ पे हम सर्कुलर टेपर की का प्रयोग करते हैं। तो 25वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की, जो की है उसका नाम क्या है, इसे पूछ रहा है। दोस्तों हमारी ये है फ्लैट सैडल की। तो 26वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, फ्लैट सैडल की। और दोस्तों ये फ्लैट सैडल की जो होती है ये हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए सही नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि नॉट सुटेबल फॉर हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन। तो 26वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लैट सैडल की का प्रयोग कैसे किया गया हुआ है। सत्ताईसवां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द की, ये जो की दिखाई गई उसका नाम क्या है, इसे पूछ रहा है। दोस्तों ये की है ये हमारी जिब हेड की है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिब हेड की। 28वां क्वेश्चन देखिए, विच फाइल इज यूज्ड फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉच इन केस, इसमें कह रहा है की जो होती हैं इस उस फाइल का नाम बताइए जो ताले रिपेयर करने में काम आती है, और हमारे जो की यानी कि चाबियां होती हैं ताले की उनके नॉच जो उनके खांचे होते हैं उनकी फाइलिंग करने में काम आती है। दोस्तों वो होती है हमारी वर्डिंग फाइल। तो 28वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्डिंग फाइल का प्रयोग हम तालों और जो चाबियां होती हैं उनके स्लॉट की रिपेयरिंग या फाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारी वर्डिंग फाइल होती है, इसका शेप इस तरीके से देखते हैं, इस पर डबल कट दांते कटे होते हैं और ये आपकी वर्डिंग फाइल है। अगला क्वेश्चन 29वां है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्क्रू, इसमें कह रहा है स्क्रू का नाम बताइए। दोस्तों ये आपके हैं ड्राइवर स्क्रू। तो 29 का बी ऑप्शन सही है, ड्राइवर स्क्रू। और दोस्तों ये जो ड्राइवर स्क्रू होते हैं ये ड्रिल या पंच किए गए होल में हैमर्ड किए जाते हैं। क्या होते हैं ये, ड्रिल या पंच किए हुए होल में हैमर से इनको ठोंक देते हैं, यानी कि हैमर्ड किए जाते हैं। और आपको बता दें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है, ये जो स्क्रू होते हैं ये परमानेंट जॉइंट बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये परमानेंट जॉइंट बनाते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, इसमें जो स्क्रू ड्राइवर दे रखा है उसका नाम उसने पूछा हुआ है। दोस्तों ये आपके हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर।
ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है ये, तो 30वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। 31वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉकिंग डिवाइस। इसमें कहा लॉकिंग डिवाइस है, उसका नाम पूछा है। तो दोस्तों ये हमारे जो हैं ये है स्प्रिंग वॉशर, तो इसका डी ऑप्शन सही है 31वें का। 32वां क्वेश्चन देखिए, विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स। इसमें कह रहा है उस फाइल का नाम बताओ जो तीखे किनारों की फिनिशिंग के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों वो हमारी होती है बैरेट फाइल। कौन सा दोस्तों? बैरेट फाइल। आपको बता दें कि इसमें जो होता है इसके जो वाइट फेस हैं उसी की तरफ दांते होते हैं, बाकी दांते नहीं होते हैं, तो केवल वाइट। ये आप देख सकते हैं बैरेट फाइल, इसमें जो होता है सिर्फ वाइट फेस यानी कि जो चौड़ा सिरा होता है, फेस होता है, उसके दांते होते हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं कि जो चौड़ा फेस है उसके दांते हैं, बाकी पीछे की तरफ दांते नहीं हैं। 33 क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? दोस्तों इसे हम बोलते हैं टिंकर्स फाइल, और जो टिंकर्स फाइल है ये टिंकरिंग करने के काम आती है। एक प्रोसेस होता है टिंकरिंग, जो कि ऑटोमोबाइल की बॉडी है उस पर जब हम टिंकरिंग करते हैं, मतलब उसको ठोक पीट के सब सही करते हैं बॉडी को, उसके बाद फिनिशिंग लाने के लिए हम इस फाइल का प्रयोग करते हैं। 33 का ए ऑप्शन सही है, टिंकर्स फाइल। 34 क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कन्फर्म द शेप। इसमें कह रहा है उस डिवाइस का नाम बताओ जो वर्क पीस तैयार होने के बाद उसकी जो शेप यानी कि आकृति होती है उसको कन्फर्म करने के लिए करते हैं। दोस्तों वो होता है हमारा प्रोफाइल गेज। तो 34 का ए ऑप्शन सही है, प्रोफाइल गेज। दोस्तों विभिन्न आकार के जो होते हैं ये सीट, स्टील सीट के जो है बने हुए टेम्पलेट को प्रोफाइल गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 35, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। जो गेज आपका दिखाया गया इसका नाम क्या है? दोस्तों ये हमारा है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें हम तार की मोटाई या फिर सीट की जो है मोटाई, थिकनेस, वो निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं किस स्लॉट में हम डाल के। दोस्तों इसमें 0 36 नंबर तक होते हैं, और 0 आपका जो सबसे बड़ा साइज होता है और 36 नंबर सबसे छोटा साइज होता है। 36 क्वेश्चन देखिए, विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर। इसमें कह रहा है कौन सा गेज जो है बाहरी डायमीटर चेक करने के काम आता है। दोस्तों होता है प्लेन रिंग गेज, रिंग गेज से हम बाहरी डायमीटर चेक करते हैं। 36 का बी ऑप्शन सही है। 37 देखिए, विच प्रोटेक्टिव कोट इज अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ स्लिप गेज अगेंस्ट रस्ट। इसमें कह रहा है रस्ट यानी कि धूल इत्यादि से बचाने के लिए हम स्लिप गेज पर कौन सी किस पदार्थ की कोटिंग करते हैं। दोस्तों वो होती है पेट्रोलियम जेली, और इसकी सफाई के लिए हम CTC यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल 37 का डी ऑप्शन ही सही है। अब यहाँ पर 38 क्वेश्चन देखिए, विट मटेरियल इज़ यूज टू मेक साइन बार। इसमें कह रहा है साइन बार को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ हम यूज़ करते हैं। दोस्तों वो होता है स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। 38 का डी ऑप्शन सही है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। 39 क्वेश्चन देखिए, हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड। इसमें कह रहा है कि साइन बार की लंबाई कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे स्पेसिफाई करेंगे। दोस्तों क्या करते हैं, साइन बार में रोलर्स लगे होते हैं दो, और क्या करते हैं हम उन दोनों रोलर के बीच की जो लंबाई दूरी होती है तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि साइन बार की हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो 39 का सी ऑप्शन सही है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट्स ऑफ रोलर। रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो स्पेसिफाई करती है साइन बार की लंबाई। तो 40 क्वेश्चन देखिए, 40वां, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैब। इसमें कह रहा है छोटे डायमीटर लैब बनाने के लिए कौन सा पदार्थ हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों वो होता है कॉपर या फिर ब्रास। कॉपर या ब्रास के हम छोटे डायमीटर के लैब बनाते हैं लैपिंग करने के लिए। तो 40 का डी ऑप्शन सही है। 41वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें कह रहा है सरफेस स्ट्रक्चर को मापने के लिए जो यंत्र है, मापक यंत्र है, इसका नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम हमारा है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो इसका नाम है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, यानी कि 41वें का डी ऑप्शन सही है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। 42वां क्वेश्चन देखिए,
विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट विल इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। इसमें कह रहा है हीट ट्रीटमेंट का वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम मशीनिंग योग्यता और तन्य तारे की डक्टिलिटी जो होती है जॉब की उसको इम्प्रूव करते हैं, यानी कि उसको अच्छा करते हैं दोस्तों, वो होती है हमारी ये एनीलिंग। तो 42 का ए ऑप्शन सही है, एनीलिंग से हमारी मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों इम्प्रूव होती हैं। 43वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेथड इन मेटेलिक कोटिंग डन बाई रोलिंग और ड्राइंग द लेयर्स ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल। इसमें कह रहा है कि उस मेटेलिक कोटिंग मेथड का नाम बताइए, यानी कि धातु की परत चढ़ाने की उस विधि का नाम बताइए जो रोलिंग या ड्राइंग द्वारा जो हमारा मेटल होता है उस पर एक परत चढ़ाते हैं दूसरी धातु की, दोस्तों उसे हम बोलते हैं क्लैडिंग। तो 43 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, क्लैडिंग एक मेटेलिक कोटिंग प्रोसेस है, इसमें अधिक एक्सपेंसिव मेटल की सुरक्षा की जाती है, जैसे बहुत सारी महंगी धातुएं हैं उनकी सुरक्षा इसी से की जाती है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि बेस मेटल जो होता है हमारा मूल धातु होती है उसके ऊपर हम दूसरी धातुओं की कोटिंग कर देते हैं, तो इससे हमारे जो मूल धातु होती है वो सुरक्षित रहती है। तो 43 का बी ऑप्शन सही है। 44 क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ के यूज्ड द हब और पुली हैज़ टू एक्सेली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। इसमें कह रहा है उस की का नाम बताओ जो हब या पुली जो होती है अच्छी रूप से बहुत कम डिस्टेंस में स्लाइड करती है दोस्तों, वो होती हमारी है फेदर की। तो 44वें का ए ऑप्शन सही है, फेदर की। 45वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का नाम पूछ रहा है इसमें दोस्तों, ये हमारी है वर्डिंग फाइल। तो 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जो वर्डिंग फाइल होती है हमारी है उसके बारे में आपको बता दें हम कि इसे इससे हम कीवे वगैरह जो हमारे लॉक वगैरह हैं वो हम बनाते हैं। तो 46वां क्वेश्चन देखिए आप, विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट इंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज। इसमें कह रहा है उस नट का नाम बताइए जो बोल्ट के अंतिम सिरे पर चूड़ियाँ जो होती हैं उनको डैमेज होने से बचाता है दोस्तों, वो होता है हमारा कैपनेट। तो 46 का ए ऑप्शन सही है, कैपनेट। और दोस्तों इन्हें हम कॉर्न नट भी कहते हैं, CORN कॉर्न नट भी कहते हैं, और ये लो या फिर हाई क्राउन स्टाइल में प्रयोग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे नट थे वो यहाँ पे लो क्राउन और हाई क्राउन स्टाइल वाले नट हैं, ये दो प्रकार के नट होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है ये लो क्राउन नट है, और उसके बाद ये दूसरा वाला जो दिखा रहे हैं आपको ये हाई क्राउन नट है, ये दो स्टाइलें बने होते हैं। अब आप 47 क्वेश्चन देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। इसमें कह रहा है स्लिप गेज का ब्लॉक जो होता है उसको बनाने के लिए कौन सी मटेरियल का प्रयोग करते हैं, वो होता है हमारा हाई ग्रेड स्टील। तो 47 का सी ऑप्शन सही है, हाई ग्रेड स्टील। और इसको इसलिए बनाते हैं हाई ग्रेड स्टील से क्योंकि इसमें लो थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो 47 का सी ऑप्शन सही है, हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन। 48 क्वेश्चन देखिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन। दोस्तों वो होता है फेराइट। फेराइट आपका ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका लगभग 0% कार्बन होता है, लगभग। तो 48 का ए ऑप्शन सही है, फेराइट। 49वां क्वेश्चन देखिए, 49, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। इसमें कह रहा है सरफेस हार्डनिंग का ये कौन सा विधि, कौन सा मेथड है दोस्तों, ये हमारी है इंडक्शन हार्डनिंग मेथड है। तो 49 का डी ऑप्शन सही है, इंडक्शन हार्डनिंग मेथड, इससे हम केस हार्डनिंग करते हैं। 50वां क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ के इज यूज फॉर ट्रांसमिट यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। इसमें कह रहा है उस की का नाम बताइए जो यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय टॉर्क को ट्रांसमिट करती है दोस्तों, वो होती है हमारी है फेदर की। और आप बता चुके हैं हम कि फेदर की को हम पैरेलल की भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 51वां क्वेश्चन,
51 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, जो गेज दिखाया गया है इसका नाम क्या है दोस्तों, ये हमारा है टेपर रिंग गेज, क्या कहते हैं इसे, टेपर रिंग गेज, और इसीलिए 51 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 52वां क्वेश्चन, विच इज यूज टू क्लीन द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, इसमें कह रहा है लैपिंग प्लेट को साफ करने में किस का प्रयोग करते हैं चार्जिंग के बाद, दोस्तों वो हमारा होता है कैरोसिन। 52 का बी ऑप्शन सही है, कैरोसिन, कैरोसिन का प्रयोग जो है लैपिंग प्लेट को क्लीन करने में करते हैं चार्जिंग के बाद। 53 क्वेश्चन देखिए, विच प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, इसमें कह रहा है कौन सी प्रक्रिया जो है दो मिलने वाले कंपोनेंट के बीच में जो उनकी फिट की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, दोस्तों वो होती है हमारी लैपिंग, तो 53 का डी ऑप्शन सही है, लैपिंग एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है इसीलिए। 54 क्वेश्चन देखिए, विच एब्रेसिव इज यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, इसमें कह रहा है कि कौन सा अपघर्षक जो है मुलायम स्टील और नॉन फेरस मेटल की लैपिंग करने में काम आता है, दोस्तों वो होता है हमारा फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम से जो है हम सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल की लैपिंग करते हैं, तो 54 का डी ऑप्शन सही है। आपको बता दें यहाँ पर कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही एक रूप है फ्यूज्ड एल्युमिनियम, दोस्तों इसके दो रूप होते हैं अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम और फ्यूज्ड एल्युमिना। अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम से हम हाई क्वालिटी की फिनिश प्राप्त करते हैं, जबकि फ्यूज्ड एल्युमिना से सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल की लैपिंग की जाती है। 55 क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ के हैज़ वन फेस कर्वेचर टू मैच सॉफ्ट सरफेस, इसमें कह रहा है उस की का नाम बताइए जिसमें उसका एक फेस जो होता है कर्व किए होता है किसकी तरफ, सॉफ्ट की तरफ, उसके सरफेस को मैच कराने के लिए, तो सॉफ्ट के सरफेस को मैच कराने के लिए उसकी का जो एक फेस है वो कर्व में कटा होता है, यानी कि कर्वेचर होता है उसमें है, तो उसे हम बोलते हैं हॉलो सैडल की। 55 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हॉलो सैडल की। 56 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की, जो की दिखाई गई उसका नाम क्या है दोस्तों, ये हमारी है पैरेलल संक की। 57 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एनीलिंग, एनीलिंग का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, एनीलिंग का उद्देश्य होता है स्टील को मुलायम बनाना, टू सॉफ्टन द स्टील, तो 57 का ए ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द लैपिंग, 58 क्वेश्चन देखिए, लैपिंग क्या है दोस्तों, लैपिंग एक प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है, इससे हम सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कर सकते हैं इसे, ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से फिनिशिंग करता है। 58 का डी ऑप्शन सही है। 59 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैब टूल, दोस्तों ये लैब टूल है इसका नाम उन्होंने पूछा दोस्तों, ये है स्प्लिट बुश लैब, तो 59 का ए ऑप्शन सही है आपका, ये है स्प्लिट बुश लैब। 60वां क्वेश्चन देखिए, 60, व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड, इसमें कह रहा है मल्टी स्टार्ट चूड़ियाँ हैं उनकी लीड का क्या सूत्र होता है दोस्तों, वो होती है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, यानी कि पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्ट, तो 60 का ए ऑप्शन सही है। 61वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू, स्क्रू दिखाया गया इसका प्रकार पूछा है इन्होंने है कि क्या प्रकार है? दोस्तों ये हमारे हैं ग्रब स्क्रू, तो 61 का बी ऑप्शन सही है, ये हमारे ग्रब स्क्रू हैं, GRUB ग्रब स्क्रू। 62 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट, इसमें कह रहा है जो नट है दिया रखा है उसका नाम क्या है दोस्तों, ये हमारा है कैसल नट, कैसल नट ये हमारा है, इसमें स्लॉट कटे होते हैं एक तरफ के। अगला क्वेश्चन देखिए, 63, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट, जो नट दिखाया गया है उसका नाम क्या है, आपको इसमें टॉप और बॉटम व्यू दिखाए गए हैं दोस्तों, ये हमारा है हेक्सागन वेल्ड नट, ये ऐसा होता है, तो 63 का बी ऑप्शन सही है, हेक्सागन वेल्ड नट। 64 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिंच, ये रिंच दिखाई गई इसका नाम क्या है दोस्तों, ये हमारी ये हुक रिंच, तो 64 का बी ऑप्शन सही है, हुक रिंच। अब आप 65 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू, इसने पूछा है ये स्क्रू है इसका प्रकार क्या है, इसका नाम क्या है दोस्तों, ये है हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, क्या बोलते हैं इसे, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, यानी कि इसके अंदर जो होल है आपका हेक्सागन है, षटभुजाकार है, और आपका नट कैसा है ये टाइप का स्क्रू, सॉकेट हेड है, ये अंदर धस जाता है,
और ये स्क्रू है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 66। व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विड्थ विद वन सेफ एज। इसमें अगर आप उसको फाइल का नाम बताओ जो सेक्शन में, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो, आयताकार हो, चौड़ाई में समांतर हो और उसकी एक एज यानी कि एक सतह जो है वो सेफ हो, दोस्तों उसे बोलते हैं पिलर फाइल। तो 66 का बी ऑप्शन सही है, पिलर फाइल। दोस्तों ये होती है, ये आप देख रहे हैं पिलर फाइल, ये चौड़ाई में समांतर होती है, सेक्शन इसका आयताकार होता है और मोटाई में टेपर, मिडिल में दोनों तरफ से। ये किसका काम करते हैं, ये नैरो वर्क के लिए काम करते हैं, जहाँ पे सकरे काम करने हैं वहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। 67 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का नाम पूछा है इसने। दोस्तों ये हमारी है वर्डिंग फाइल, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें क्वेश्चन में। तो 67 का ए ऑप्शन सही है, वर्डिंग फाइल। 68 देखिए, विच फाइल विल हैव डबल कट ऑन फेस एंड सिंगल कट एट एज। इसमें अगर आप उस फाइल का नाम बताओ जिसके फेस पर तो डबल कट होते हैं लेकिन इसकी एज जो किनारी होती है उस पर सिंगल कट जाते होते हैं। दोस्तों इसके अनुसार यहाँ पर जो है वर्डिंग फाइल होगी ऑप्शन के अनुसार। तो 66 का, सॉरी 68 का डी ऑप्शन सही है, वर्डिंग फाइल। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का नाम बताइए इसने पूछा है। दोस्तों ये आपकी है स्विस पैटर्न फाइल। तो 69 का सी ऑप्शन सही है, स्विस पैटर्न फाइल। दोस्तों ये फाइल अमेरिकन पैटर्न फाइल से ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। दोस्तों एक फाइल और होती है उसे हम बोलते हैं अमेरिकन पैटर्न फाइल, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है आपकी स्विस पैटर्न फाइल। तो आपको बता दें कि स्विस पैटर्न फाइल जो है अमेरिकन पैटर्न फाइल से ज़्यादा एक्यूरेट बनी होती है। 70वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, जो गेज दे रखा है उसका नाम उन्होंने पूछा है। दोस्तों ये हमारा है स्क्रू थ्रेड रिंग गेज। कौन सा है, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज। तो 70 का बी ऑप्शन सही है, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज। 71वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इसमें का जो गेज दे रखा है उसका नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा है स्नैप गेज। तो 71 का बी ऑप्शन सही है, स्नैप गेज। 72 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ड्रिल गेज, इसमें कह रहा है कि ड्रिल गेज का क्या प्रयोग होता है। दोस्तों इसे हम क्या करते हैं, चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, यानी कि ड्रिल का जो व्यास होता है उसे हम चेक करते हैं। तो 72 का ए ऑप्शन सही है, जो ड्रिल गेज होता है उससे हम ड्रिल का व्यास चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिल गेज दिखाया गया है, और ये जो होता है ए से जेड तक होता है, जो ए साइज़ का ड्रिल गेज होता है, ए साइज़ का होल होता है सबसे छोटा होता है, और जो जेड साइज़ का होल होता है ये सबसे बड़ा होता है। ये आपको इसमें माप जो है इंच में दे रखी है, 2-3-4 इंच से लेकर 4-1-3 तक होता है। 73 क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टर्म मार्क एक्स, इसमें जो एक्स से मार्क किया गया है साइन बार में टर्म, उसका नाम क्या है। दोस्तों ये हमारी है लेंथ, साइन बार की लंबाई से कह सकते हैं, और साइन बार हमारा यहीं से स्पेसिफाई होता है। तो 73 का ए ऑप्शन सही है, ये जो है साइन बार की लंबाई है। 74वां क्वेश्चन देखिए, 74 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, इसमें जो एक्स से पार्ट डिनोट किया गया है उसका नाम क्या है। दोस्तों ये है हाइट ऑफ द स्लिप गेज, जो हमारे स्लिप गेज लगाए हुए हैं बी और सी, इसके ऊंचाई दिखा रहा है इसका। तो 74 का ए ऑप्शन सही है। 75 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा है सेंटर गेज, देख सकते हैं यहाँ पर आप हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर गेज, यानी कि 75 का डी ऑप्शन सही है, सेंटर गेज। दोस्तों ये होता है स्प्रिंग स्टील का हार्ड और टेम्पर बना होता है, और इसमें करते हैं हम सिंगल पॉइंट जो थ्रेड कटिंग टूल होता है उसकी ग्राइंडिंग तथा सेटिंग करने में इसका हम यूज़ करते हैं। 76 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, जो गेज दे रखा है उसका नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा है स्क्रू पिच गेज। तो इसका 76 का बी ऑप्शन सही है, स्क्रू पिच गेज। 77 देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गेज, जो गेज दे रखा है उसका प्रकार पूछा हुआ है। तो 77 का हमारा डी ऑप्शन सही है, ये है थ्रेड स्नैप गेज। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, थ्रेड स्निप गेज बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है।
78 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गेज, इसमें कह रहा है गेज का टाइप है उसका नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा है डबल इंडेड प्लग गेज, तो 78 का ए ऑप्शन सही है, डबल इंडेड प्लग गेज। 79 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मार्क एज एक्स एक्स डिनोट किया गया है वो क्या है। दोस्तों ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज का गो सिरा है, तो 79 का बी ऑप्शन सही है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। और दोस्तों इसके पीछे वाला जो है वो नो गो है। तो 80 क्वेश्चन देखिए, 80 व्हाट इज़ द गेज, इसमें गेज का नाम पूछा गया है, कौन सा गेज है ये। तो दोस्तों ये है टेपर प्लग गेज, तो 80 का 80 का डी ऑप्शन सही है, टेपर प्लग गेज। 81 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मार्क एज एक्स इन गेज, इसमें कह रहा गेज में जो एक्स से मार्क किया गया है वो कौन सा, क्या बोलते हैं उसे। दोस्तों वो हमारा है थ्रेड रिंग गेज, और उसका नो गो सिरा है, वो नो गो है वो थ्रेड रिंग गेज। 81 का बी ऑप्शन सही है। 82 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, जो गेज दिखाया गया उसका नाम पूछा है, ये है थ्रेड प्लग गेज, तो 82 का बी ऑप्शन सही है, थ्रेड प्लग गेज। 83 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ लैपिंग, दोस्तों लैपिंग क्या है ये पूछ रहा है, तो लैपिंग आपका प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। 83 का ए ऑप्शन सही है, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। 84 क्वेश्चन में है, कह रहा है व्हाट इज़ अ क्वेंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग, इसमें कह रहा है तेज़ी से कूलिंग करने के लिए क्वेंचिंग मीडिया क्या यूज़ करते हैं हीट ट्रीटमेंट में। दोस्तों वो होता हमारा ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन होता है लवण, तो उसमें हम क्वेंचिंग करते हैं गर्म मेटल की। तो 84 का ए ऑप्शन सही है। 85 देखिए, व्हाट इज़ द मार्क एज एक्स, इसमें एक्स से डिनोट किया क्या क्या चीज़ है वो। दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस, दोस्तों ये हमारा है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो दोस्तों लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस, इसका बी ऑप्शन सही है। 86वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एल्बोस एंड बेंड्स दैट प्रोवाइड्स डाइवर्जेंस, इसमें कह रहा है एल्बो और बेंड का एंगल बताइए जो डाइवर्जन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों वो होता हमारा है 90 डिग्री और 45 डिग्री, हमारे एल्बो और बेंड जो होते हैं वो 90 डिग्री और 45 डिग्री पे ही होते हैं। तो 86 का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें ज़रूर बताएं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।